जी दोस्तों, पहाड़ों में फसल पकने को हुए और वहीं बंदरों का आतंक भी लगातार बना हुआ है। तो यार आजकल जब भी चलना होता है संभल के चलता हूँ, क्योंकि बहुत डरता हूँ मैं सांपों से, और धूप में तो वो भयंकर बाहर आए रहते हैं यार। हेलो कर बर हेलो कर तो दादी जी शर्माना जी ना एक और नई वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र वर्तवाल और आप देख रहे हैं दिल से पहाड़ी। चलिए फिर पहाड़ों की बातें बयां करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। जी दोस्तों, पहाड़ों में फसल पकने को हुए और वहीं बंदरों का आतंक भी लगातार बना हुआ है। और अभी जा रहा हूँ मैं बंदर भगाने, क्योंकि आजकल गाँव में बारी लगी हुई है दो दो परिवार करके, दो दो परिवार ऊपर से और दो दो परिवार नीचे की साइड से बंदर भगाने की बारी लगी हुई है सबकी। तो आज हमारी बारी भी है, तो मैं उधर जा रहा हूँ, उधर की साइड, ऊपर की साइड पापा गए हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है आज के दिन में। धूप खिली है चकाचक वाली, आसमान भी आज थोड़ा साफ है, उम्मीद करते हैं कि बारिश ना आए अब और फसल भी जल्दी पक जाएगी। आजकल बारिश के मौसम में सीलन पकड़ लेते हैं कपड़े, तो ये कुछ इस तरह से सुखाने के लिए लोगों ने कपड़े डाल रखे हैं बाहर। आजकल हर किसी ने लगभग बहुत लोगों ने डाले होंगे, क्योंकि धूप का इंतज़ार सभी करते रहते हैं। और कौन है बल? और आजकल इस धूप में सांप निकलते हैं जबरदस्त वाले। तो यार आजकल जब भी चलना होता है संभल के चलता हूँ, क्योंकि बहुत डरता हूँ मैं सांपों से, और धूप में तो वो भयंकर बाहर आए रहते हैं यार। मतलब ये लगा आजकल लगा लो कि हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे लगभग आपको, पहाड़ों में भी। तो उस चीज़ की डर रहती है, इसीलिए इतने मोटा डंडा हाथ में रखा हुआ मैंने, ये ऐसे ऐसे बजा के जाऊँगा। बंदर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है आज बंदर आए नहीं है। तो नीचे से गदरे में जाता हूँ, थोड़ा गदरे का मज़ा भी लेते हैं थोड़ा। नहीं जब आ ही गए यहाँ तक तो गदरे में गया था मैं अभी, वहाँ स्मेल सी आ रही है, सड़ा हुआ है कुछ चीज़, शायद कुछ चीज़ गिरा होगा या किसी की गाय वगैरह मरी होगी पता नहीं। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा दो शॉट लिए, स्मेल आ रही थी तो दो चार शॉट लिए, मैं निकल गया इधर को और यहाँ साइड में बैठा हूँ अभी, ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहा हूँ। बंदर तो है नहीं आज इस साइड को, ऊपर की साइड को होंगे पता नहीं, वहाँ मम्मी जा रखी है, तो अगर वहाँ होंगे बंदर तो मम्मी फ़ोन कर लेगी, फिर वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। तो आज समस्या बहुत गंभीर है, मतलब आज ऐसा है कि रेल पिसने वाली मेरी। तो फिलहाल अभी गौशाला में आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर है हमारी मिर्च की क्यारी, ये देखो मिर्च भी लगी हुई है, हरी हरी मिर्च और लाल भी होने लग गई भाई, पर इस समय ज़्यादा मिर्चें नहीं हुई हमारी, बहुत कम हुई है, सूख गए हैं। ये देखो लाल भी हो चुकी मिर्च, ये मिर्च की खेती है, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं हुई मिर्ची। अरे पिछली बार मिर्ची ठीक ठाक हुई थी, बट इस बार उतनी अच्छी नहीं हुई है, वो सूख गई थी उसकी डालियाँ। इधर बंद रुफोड़ भी खींचू दो कुदे भी होने हैं कंडी धारी है। हेलो कर बन हेलो कर तो दादी जी शर्माना जी ना साथ भी होना। अच्छा तो भाई फिलहाल घर ही आ चुका हूँ मैं, मैंने कहा जब आएंगे बंदर तभी देखी जाएगी, उस साइड तो है नहीं, और ऊपर की साइड भी मम्मी आती हैं, मम्मी बोलेगी कि है नहीं है, नहीं तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा यार, सीधे भात खाने आने पड़ेगा फिर तब घर। अभी 10 बज रही तो देखते हैं क्या होता है। साल की पहली सब्जी ये, इसका नाम है खरबूज। जी हाँ दोस्तों, इसको खरबूज बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट में बताना। और कद्दू तो अभी नहीं लगे कोई, यहाँ ऊपर ये घर की छत के ऊपर है बेल कद्दू और उसकी, प्रणाम 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 कद्दू और इसकी।
तो वहाँ पर हो रखा था। बंदर नहीं रख रहे हैं यार, कुछ बंदर तो ऐसे लगे हुए हैं कि अगर बंदर देख लेता तो ये सब ये भी साफ हो जाता। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी निकाल देते हैं पहले पहले सब्जी खा लेते हैं इसकी, नहीं माँ तीठा कहीं नहीं हो तो ले खुश हुए इतना तो खेल कम से कम। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम किया और उसके बाद अब बारी है ऊपर की साइड जाने की। उधर देखते हैं यार बंदर हैं या नहीं है वहाँ, अगर नहीं होंगे तो अच्छी बात है मेरे लिए भी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस साइड को तो थी नहीं और अभी भी नहीं है। प्रोग्राम हो चुका है चेंज क्योंकि पापा ने बोला कि मैंने खाना खा लिया, मैं ही चलता हूँ वहाँ बैलों के लिए घास भी निकालने करके। तो वहाँ की बारी पापा की लगी है। कल एक और अच्छी लोकेशन पे ले जाऊंगा मैं आप लोगों को जहाँ वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल बहुत कमाल का है। आजकल वहाँ पानी कम हो गया है तो जाना आसान है हमारे लिए। वैसे झाड़ियाँ हैं, रास्ता तो बहुत खतरनाक होने वाला है वो भी, तो देखते हैं क्या होता है कल के ब्लॉग में भी। साढ़े छः हो चुका है और मौसम देख सकते हैं आप बिल्कुल पैक हो रखा है, बारिश आ रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। इससे पहले बहुत ज़्यादा बारिश आई और बारिश के साथ साथ आसमान में भी आवाज़ें हो रही थी और मौसम देख सकते हैं आप ये कुछ इस तरह का हो रखा है। ओहो कैमरे पे भी पानी गिर गया, ये देखो। अब इसी एरिया में हो रही है बारिश, बाकी पोखरी साइड तो नहीं हो रही, ये देखो इसी एरिया में हो रही है इतने तक। और ये देखो पूरा इस साइड तो कैसे हो रखा है ये मौसम, तुंगनाथ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, बाकी कुछ इस तरह का हाल है। अरे भाई और तेज़ आने लगी बारिश। रात के बज रहे हैं अभी 8 और बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है, चांद भी आ चुका है ऊपर आसमान में और देखो वहाँ साफ है, मौसम बिल्कुल क्लियर है और यहाँ से हो रही है और बारिश आ रही है अभी भी। ये देखो मेरे हाथ में छींटे देख सकते हैं आप, तो बारिश आ रही है अभी भी इस एरिया पर और उस साइड को साफ हो रखा है बिल्कुल इतना ये एरिया, और जितने पे ये बादल हैं वहीं पर यार देखो इतना भेदभाव क्यों भाई। ये देखो